वसीम एक चीज़ बात कर रहे थे, हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं कि जी इंटेंट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, बट वी मस्ट ऑल्सो गिव फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स एंड स्पेशली यू नो पाकिस्तान ने आज 257 बॉल्स खेली हैं जिसमें से 154 डॉट बॉल्स हैं. ऑलमोस्ट 60% ऑफ द डिलीवरीज एट पाकिस्तान फेस टूडे were dot balls. And I think what triggered the collapse, we were doing fine. जब वो 8 ओवर का फेज आया था 1927 तक, जहाँ सिर्फ पाकिस्तान ने 29 रन किए हैं, वो प्रेशर इतना माउंट हो गया ना, वो डॉट बॉल्स वाली बात है. एक विकेट गिरी उसके बाद देयर वाज अ टोटल डिजास्टर. बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप यू हैव बीन कॉम्प्लीमेंटिंग बुमराह अ लॉट. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आपका नाम लिया कि उन्होंने बचपन में आपको बॉलिंग करते हुए देखा है एंड ही इज ओवर द मून बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम. बट टुडे अगेन, शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, कप्तान ने चेंज किया, बट व्हेन ही केम बैक, वाओ, ही वाज टोटली डिफरेंट. देखिए, शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, पेस है. फिर वो उसने एक दो चौके खाए हैं, फिर उसने इतनी मार भी नहीं खाई कि कम बैक ना हो सके उसका. देखे ना, बैक ऑफ अ लेंथ विद इन, एवरीथिंग इज फिनिशिंग विद इन द स्टंप एंड दैट वाज अ स्लो बॉल और सेट बैट्समैन को. और ये दिस वाज एनी बैट्समैन वुड हैव गॉट ऑन दिस डिलीवरी. इट लिप्ड बैक and then pitched and held his line and just clipped his off stump. I mean, this was unbelievable delivery on that particular track. He's got 2 wickets for 19 run and 7, but ek attitude hota hai bowler ka. Ab jab Haris bowling karne aata hai, nothing against Haris, he's been Pakistan's main bowler. Aata bhi wo first change mein hai. Mujhe lagta hai, ya maine uska record bhi dekha hai, ki ye 2-3 chauke khayega, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा. मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो जैसे बुमराह ने बोल्ड किया है या एज लगी है, स्लिप में गया है, बड़ा काम होता है. उसका बॉल स्विंग नहीं होता जब वो थर्ड उस पर आता है, अनलेस इट्स रिवर्स स्विंगिंग. ही इज गॉट पेस, नो डाउट ही हैज टू इम्प्रूव हिज लेंथ फॉर वन डे क्रिकेट. T20 बॉलिंग, वन डे बॉलिंग एंड टेस्ट मैच बॉलिंग इज टोटली डिफरेंट बीस्ट. आज ये हारिस की बॉलिंग आपके सामने, लेकिन आप फुल अनबिलीवेबल ये शॉट, मेरा मतलब है बड़ी बिग शॉट है. यस, द डाउन लेग साइड शॉट, लुक एट दैट अगेन. ये अगर आप छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हो, अगर आपके मेन बॉलर को 2 ओवरों में या 3 ओवरों में 30 या 25 हो गया है, सो गेम ओवर. आपका ख्याल ये नहीं कि इसको जब शुरू में आता है थोड़ा सा अक्रॉस द सीम पकड़ के बॉल करें, जस्ट टू ट्राई टू गेट अ रिवर्स स्विंग. पेस है, बाउंसर भी हमने जो किए हैं, बाउंसर किए हैं इस साइड पे. अब रोहित शर्मा इज नॉट 6'5", इज लाइक नॉर्मल हाइट. यहाँ बाउंसर करना है तो आपने उसको इस साइड पे करना है, इस साइड पे, वो भी थोड़ा बाहर, ताकि वो पुल करे, वो खड़ा हो. ये फाइन लेग भी है, स्क्वेयर लेग भी है. अगर आप यहाँ करोगे तो उसकी एक ही जगह है. मैं इसलिए पूछ रहा था, सिराज ने भी वसीम भाई आज अक्रॉस द सीम पकड़ के बहुत बॉलिंग की, बहुत बॉलिंग की है. क्रॉस द सीम विकेट उसी पे लिए, कई दफा बॉल जब पेट पे लगता है तो स्किट कर जाता है. ये सर इसको जरा क्लोज अप क्रॉस द सीम अगर इस पे लगेगा तो शायद कई दफा स्किट कर जाता है, कई दफा अगर बॉल फंस रहा है पिच पे तो रुक जाता है. और अगर आपका नेचुरल स्विंग, फॉर इंस्टेंस राइट हैंडर का आउट स्विंग है, अगर वो क्रॉस सीम करेगा तो वो पढ़ के अंदर आ जाएगा. अब्दुल्ला शफी को भी मतलब गेंद स्किट कर गया, मेरा ख्याल है. शॉट भी बड़ी गंदी थी ना, वो ये शॉट मिड विकेट में डॉन के दरमियान बनती थी, ऐसे नहीं थी बनती.